What is up, guys? Your professional drifter is back. आज की वीडियो तो स्टार्टिंग में खत्म होने वाली है। ऐसे कैसी? ये तो बस टीजर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। बोला था ना, पंडित को बुलाओ, अंतिम संस्कार कराते हैं। जिंदा हूँ मैं, देख रही हूँ कैसे इस बॉब के बच्चे को। अगर एक दिन मैं लेट उठूंगा ना, बहुत तेज लगा, लगता है मेरी हैंडसम शक्ल की चिटनी बन गई। पहले से ही गोबर जैसी शक्ल है, अब तो और भी चढ़ी हो गई होगी। रुको, अभी इस बॉब के बच्चे की बैंड बजा। तू कहाँ पर है? गिरा यही पर है ना? नहीं, माफ करते, गिर गया। गिरा नहीं, मैं बस अपने प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा था, काफी मजबूत है। तो न्यूक्लियस, आज जैसे कि आप लोग टाइटल में देख सकते हो, हम लोग करने वाले हैं 1 रुपीस वाटर स्लाइड वर्सेस 100 करोड़ रुपीस वाटर स्लाइड। मैं तो बस तेरे को गिरते देखने के लिए आया हूँ। अच्छा न्यूक्लियस, अगर इस वाले वीडियो पे 1 लाख लाइक्स हो जाते हैं ना, तो हमारे मोस्ट फेमस बॉब दी हग्गू वाटर स्लाइड टेस्ट करने वाले है। आज तो बॉब के लिए सुबह सुबह शॉकिंग न्यूज आ गई। मिस्टर न्यूक्लियर, आई डोंट फील सो गुड। तो मैं क्या करूँ, और यहाँ पर ये प्राइस गायब कैसे हो गया? हेलो, आ गया। सो न्यूक्लियस, वो 1 रुपए का है, ये 10 लाख, और ये 10 करोड़, और ये 1000, मतलब 100 करोड़। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करती है। यस, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। हम लोग जल्दी ही एवेंजर्स के साथ भी वाटर स्लाइड चैलेंज करेंगे। अब बारी आती है 1 रुपीज वाटर स्लाइड को देखने के लिए। अंदर गायब हो गया। अभी डरा मत, यही पर हूँ मैं। ओ अच्छा, तो ये सीधा तुम्हें वाटर स्लाइड तक टेलीपोर्ट करवा देती है। हाँ, और एक सेकंड रुको गाइस, आप लोग वो आगे देख रही हूँ, वो भी वाटर स्लाइड ही है ना, क्या बात है। पहले ये तो कंप्लीट कर। करूंगा ब्रो। डरते क्या? इट लुक्स लाइक हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन एप्पल, ऑप्शन बड़ा एप्पल। तो बताओ कहाँ जाऊँ मैं? एप्पल से अच्छा तो बड़ा एप्पल ही होगा ना, ऑप्शन बी। क्या तुझे सही भी लगता है कि जो तूने ऑप्शन सेलेक्ट करा, मैं उस वाले ऑप्शन में जाऊंगा? है नहीं जाएगा क्या? नो 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 नो, आई विल गो ऑप्शन ए। ये तो गड़बड़े गाइस, ऑप्शन बी सही जवाब था, तेरी आने से पहले मैंने चेक कर लिया था। क्या बात है न्यूक्लियस, आप लोग देख रहे हैं बॉब का बच्चा कितना स्मार्ट हो गया। बस 15 हड्डियां टूटी पैर की, ऑप्शन बी चेकआउट करती है। इस बार देखना तुम सुपरमैन बनोगे। क्या बात है, कितने स्टाइल में चल रहे ये, आइए। यू आर वीक। तो फिर बड़ी बंदूक निकालने का टाइम आ गया है। शॉटगन कहाँ पर हो तुम? ये रही, पिचके आओ। न्यूक्लियर की तो बंदूक भी वीक है। नहीं, असली सुपरमैन तो वो है, शॉटगन की 2 गोलियां खाया। और सुपरमैन से ज्यादा है ब्रो, हम भी सुपरमैन बनेंगे। डरपोक हाथ छोड़ अपना, पानी में कैसे पकड़ सकते हो, अपने आप रुक गया ये। और ये देखो यहाँ पर कैसे स्लाइड हो गया यार फ्रैंकलिन। तू कोई नहीं, इस बार सुपरमैन बनोगे, आइए। अब बारी आती है 10 लाख रुपए की वाटर स्लाइड की, लेट्स गो। तो 1 रुपीज वाटर स्लाइड कैसी थी? 1 रुपए के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये बाकी वाटर स्लाइड के साथ कम्पीट कर पाएगी। तो फिर आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं 10 लाख की वाटर स्लाइड पे। बार तो सही में गायब हो गया बंदर। न्यूक्लियस, ये तो वही जगह है जिसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्कोप में देखा था। ये देखो यहाँ से हमारा 1 रुपीज वाटर स्लाइड भी दिख रहा है, और यहाँ पर बॉब का बच्चा होगा कहीं पर। बिचके जस्ट बाजू से गई गोली, अगली बार तेरी घोपड़ी फोड़ती हुई जाएगी ब्रो। इट लुक्स लाइक इट, वापस से हमारे पास 2 ऑप्शंस है। इस बार थोड़ा डेंजरस होगा, विंडमिल्स भी है। सही है, न्यूक्लियर मस्त तोड़ेगा। फ्रो बोलते चेरी खोलते, इतनी आसानी से थोड़ी उड़ूंगा मैं। पिछले बार ऑप्शन बी सही था, वापस से वो सही नहीं हो सकता, तो हम लोग ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, न्यूक्लियर अभी उड़ेगा। आउच आउच आउ, नेवर माइंड, ये तो उड़ने का ऑपोजिट है। शुक्र है रुक गया, अगर 2-3 बार और लुढ़कता तो सर फूट जाता। नहीं नहीं, अभी तो सेफ नहीं है, विंडमिल है ना। इन विंडमिल्स की कीमत की मेरे को मार दिया, जस्ट मिस, वरना नीचे गिर जाता। अभी का बचाओ, जिस भी पागल ने ये मैप बनाया 5-6 विंडमिल लगा रखे उसने, जिसने भी बनाया भगवान है वो। गोल 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 गोल, ये हुई ना बात, वो थी ब्यूटीफुल टक्कर। टक्कर के भाड़ में ये फ्रैंकलिन को क्या दौरे पड़ रहे हैं? कैसे रुक रहा है? He is glitching, मानना पड़ेगा, एकदम स्टाइल में गिरा। और ये देखो पटरी पे आके गिरा। इसी टाइम पे कोई ट्रेन आके उड़ाती तो और भी मजे आते। ऑप्शन ए इज आउट ऑफ पिक्चर, लेट्स गो फॉर ऑप्शन बी। ये वाला ऑप्शन बोरिंग सा है। मेरे स्पीड को क्या हो रहा है, अचानक से इतनी ज्यादा तेज कैसी है? कोई बचाओ यार मेरे को। लगता है मैं गलत था, ये वाला ऑप्शन तो बहुत मस्त है। नहीं, मेरी हड्डियाँ बोल रही है बहुत बेकार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में थोड़े विंडमिल्स हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। लैंड हो जाए, यस
हंसी मजी आ गए। नो इस पर होके रहेगा गाइस देखना, एकदम डैब वाले पोज में जाएंगे, स्टाइल मारते मारते बच गए। अभी नहीं बचा, और भी विंड मिल है। ओके दूर से वाली से भी बच गया, मेरे को नहीं मालूम, मैं कुछ भी नहीं देख रहा, मैं अपने आँख बंद करके आगे जा रहा हूँ यार। इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, विंड मिल मेरे को मारे जा रहे है, मारे जा रहे है। आँख खोलने का टाइम आ गया, बच गए। सही में क्या वापस से विंड मिल ने मारा इसकी भैंस की, समझ से नहीं आ रहा ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा। क्योंकि ब्रो मैं हूँ एक प्रोफेशनल स्लाइडर। अरे जब मैं छोटा बच्चा था ना, 4 साल की उम्र में पहली वाटर स्लाइड में गया था। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तेरे को? पहले आती थी बट अब आदत सी पड़ गई है। इतना टाइम हो गया अभी भी गोल घूमे जा रही हूँ। स्लाइड करते करते मेरे को नींद आ गई, छोड़ो जल गया, बढ़िया हुआ। ओ शिट इस वाले में कोई लैंडिंग नहीं है? नहीं टाटा बाय बाय बोल दो, पैराशूट है ना। जितने भी लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं सब लोग मिलकर लाइक करो फॉर गुड लक, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। यस आई नो। देखते हैं कि अब 10 करोड़ की वाटर स्लाइड कितनी खतरनाक होती है। कम खतरनाक, लोकेशन इतना खतरनाक है, वाटर स्लाइड तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। ये ट्रेन की आवाज क्यों आ रही है, नीचे कोई ट्रेन में है क्या? जंप एंड फाइंड आउट। देख गई और देख रहे गाइस, अभी आप लोग देख के ना एकदम इम्प्रेस हो जाओगे, बोलोगे कि न्यूक्लियर भैया मेरे को भी ऐसा जंप करना सिखा दो, अब कितने बड़े फ्रो हो। अग्नि में फ्रो है ये, तूने तो उसमें PhD कर रखी है, अभी देखना कितनी खतरनाक लैंडिंग हो। न्यूक्ली सब हम लोग वाटर स्लाइड टेस्ट करने के लिए आए हैं, तो ऐसी फालतू चीजें करके क्या मिलेगा हमें, है ना? विल चेक द वाटर स्लाइड। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद लगता है दिमाग खराब हो गया इसका, इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों गिर रहे हैं? बच के जाना पड़ेगा वरना कुचले जाओगे। बहुत बढ़िया, जिंदगी में यही तो चाहिए था मेरे को। जल्दी कूदना, जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे, पैर टूट गया। अभी बहुत कुछ टूटने वाले है, जैसे कि तेरे सपने। अरे फ्रू बोलती चेरी बोलती, इतने आराम से थोड़ी नीचे गिरेंगे ब्रो। विंडमिल डॉज कर दिया लेकिन हग दिया, स्पीड वाज द प्रॉब्लम। तो फिर पाद मार स्पीड बढ़ जाएगी। गंदे जानवर तेरी तरह समझ रखा है क्या मेरे को, बस थोड़ा पीछे से कूदना था और देखो कंप्लीट हो गया। सिंपल। अभी बच्चा है, टेलीपोर्ट नहीं हुआ ना तू? कहां ही टेलीपोर्ट कर देगा ये, डरता हो गया मैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीज। जल्दी का काम बॉब जैसे शैतान का होता है, हम लोग आराम से जाएंगे गाइस, जल्दी क्यों है हमें, है ना? मैं नहीं तू शैतान है। लैंडिंग के लिए रेडी हो जाओ, बहुत तेज लगा तब भी। और ये क्या हो रहा है, लुढ़क क्यों रहा है मेरा प्लेयर? पहले ही बोला था पाद मार स्पीड बढ़ जाएगी। उसके लिए पाद नहीं ब्रो, दिमाग लगाना पड़ता है, देखो टेक्निक होता है टेक्निक। कौन सी टेक्निक, हगने की क्या? नो 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 नो, बच गया। एक कदम, अगर एक कदम भी मैं आगे चले जाता अभी मैं नीचे गिर जाता। हाँ सही बोला, थोड़ा पीछे से कूदते स्पीड बढ़ जाएगी। ला 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 बट्टा ला 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 मैं उल्ला ला बट्टा ला ला बच गए गाइस, दैट वाज आल्सो वेरी क्लोज। पिछली बार चट्टान थी, इस बार तो वुडन लॉग है। इनको देख के पुष्पा मूवी की याद आ रही है। वो छोड़, बस मैं हल्का सा आगे पुश हो जाऊं बच जाऊंगा। व्हाट द हेल इज दैट, ये तो मेरे को ये बोलना चाहिए क्योंकि हमको इसमें लैंड करना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा, पागल फ्रैंकलिन अपने आप क्यों कूद गया, उसे मालूम है कि नीचे गिरना है। नो गाइस वी कैन डू दिस, बस हल्का सा और आई। तो बॉब दी हगू, क्या बोल रहे थे तू, कि तेरे लिए ये स्टंट बहुत इजी है? और नहीं तो क्या, बोला ना प्रोफेशनल स्लाइडर हूँ मैं, नीचे गिरता हूँ मैं। हम लोगों ने 1 रुपए का वाटर स्लाइड देखा, 10 लाख का देखा, 10 करोड़ का देखा, अब 100 करोड़ की बारी आती है गाइस। 100 करोड़ भी आपको मिलता है? ओह माय गॉड जिला। न्यूक्लियस आप लोग देख रहे हो ये क्या है? ये तो अपने आप में कोई खतरनाक सा चैलेंज है। मेरा PC खराब है या फिर ये चीज अपने आप गायब होके, देखो अभी आई। उनको छोड़ इतने बड़े बड़े फुटबॉल, देख के तो यही लग रहा है कि ये काफी टफ होने वाला है, लेकिन हम डरती है क्या? चलो फिर ऑप्शन A से शुरू करते हैं। B टफ है, उसलिए ऑप्शन A चुन रहा है। तेरे को कैसे पता चला? Because I am very smart। आधा IQ भी नहीं है, अपने आप को स्मार्ट मत बोल तू। हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा गाइस, आराम से यहाँ पर लैंड करके। और ये क्यों फिसल रहा है बेवकूफ फ्रैंकलिन? ये ऑप्शन B सिलेक्ट हो गया। नहीं मेरे को ऑप्शन A पे जाना था। अब कुछ नहीं कर सकते, हग दिया। नो इट लुक्स लाइक आई गॉट अनदर चांस। स्कैम हो गया स्कैमर के साथ। ऐसे टाइम पे कुछ नहीं करना गाइस, आप लोग को आग बंद करना है और दुआ करने की सब कुछ ठीक हो जाए। किसे पता मैं पानी में गिरूं या किसे पता मैं नहीं गिरूं? क्या बात है, बच गया। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, मेरे को ये पिक्चर नहीं देखना। फुटबॉल के अलावा वो आगे क्या गिर रहे हैं, क्या ये तेरी मौत? एक सेकंड रुको यहाँ पर। अरे बाप रे, इतने सारे फुटबॉल, यहाँ पर काफी ध्यान से जाना पड़ेगा। व्हाट द हेल से रेवन, क्या वो एक शार्क है? देख के तो वही लग रहा है। हाँ नाइस गाइस, व्हाट अ लवली चैलेंज, मजे आ गए। जीने के ही 4 दिन, कैश होते 5 दिन। जाए जाए न्यूक्लियर, जाए नीचे गिर जाए। नहीं तुमको क्या लगा कि मेरे को गिराना इतना आसान होएगा? इजी बोलते गाइस।
बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती है। ए शार्क मामा, डू यू थिंक दैट यू डिस्ट्रॉय मी डिस्ट्रॉय यू विद रॉकेट लॉन्चर? अच्छा, मैं भी देखूं जरा, बच गया वो। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है भागो और अपनी किस्मत के ऊपर थोड़ा भरोसा कर लो। किस्मत चल गई तेरी? किस्मत नहीं रे, टाइमिंग को कैलकुलेट करा मैंने। सिर्फ रो लोग ऐसा कर सकते है। क्या हुआ, नहीं हुआ क्या कैलकुलेट? इनकी गलती थी ब्रो, और मैं ये कहां पर टेलीफोन हो गया, गेम मजे ले रहे। तो बार बार कैसी अजीब पोजीशन में नीचे फेंक रहे हैं मेरे को ये लोग, ध्यान से कच्चा फट जाएगा। वो सब छोड़, तूने अभी अभी देखा क्या चीज उड़ी? ये लोग आगे गाड़ी फेंक रहे हैं। आर यू कॉमेडी में? धड़ाम करके उड़ेगा तू भी वैसे। ऑल इज वेल फ्रैंकलिन गोचू। इस बार डरा दिया शार्क के बच्चे ने। इस बार अगर ये साइड में गिरेगा ना तो मेज बैंक के ऊपर जाके इसको नीचे फेंकूंगा मैं। अपनी बिल्डिंग उससे भी ज्यादा ऊंची है, जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस बार कुछ फालतू हरकतें नहीं करी इसने। कहीं जल्दी से भागो नहीं तो गाड़ी आ जाएगी। लेट्स गो। जस्ट मिस, बस एक गाड़ी लग जाती तो कितने मजे आते। प्रोफेशनल डॉजर बोलते ब्रो, मेरे को गाड़ियां इतने आराम से नहीं मार सकती। दिस इज वेरी इजी, आपको बस जंप करना है, गाड़ी कुछ नहीं कर सकती आपका, और आप पानी के अंदर टेलीपोर्ट हो जाओगे। व्हाट? गेम ने करा न्यूक्लियर के साथ अन्याय। नहीं, शायद से हम लोग को और भी ज्यादा जल्दी जाना है। इन लोगों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, इतनी बुरी तरह ठुकरी। अब जो भी स्पीड बढ़ा रहे और बढ़ाओ। नहीं मत बढ़ाओ यार, वैसी फटी हुई है, टाइमिंग का खेल है पूरा ये। अब हमने यहाँ पर गोली से मार कर दिया, जैसे ही वो आएगा ऊपर चढ़ जाऊंगा। लेट्स गो। बच गया, बस एक इंच से बच गया ये। सही में यार, मानना पड़ेगा इस बार बहुत क्लोज था। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है गाइस, अभी तो एक गायब होने वाला ट्यूब भी आ गया। इस वाले में क्या है? देखना पड़ेगा ब्रो, ये घूमता है और गायब भी होता है। Stupid. और हमको कुछ समझ नहीं आता है। ये थोड़ा टफ है। क्या टफ? वो क्या होता है? मेरी डिक्शनरी में टफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं बताता हूँ, टफ ये होता है। ओके गाइस, अब प्लान बी का टाइम आ गया है। साइड से जाके कंप्लीट कर देंगे। स्पीड क्यों बढ़ गई मेरी? मैं पहले जानता था तेरे जैसे नटखट लोग साइड से जाएंगे। लगता है अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे ही वो आएगा मैं भाग जाएगा, आएगा भाग जाएगा, आ गया भाग गया। ये क्या बात है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। इजी बोलते। चलो शुक्र है चेक पॉइंट मिल गया, वरना कितना खतरनाक था गाइस वो। मेरे को अभी यकीन नहीं हो रहा, इसने वो इतनी सारी से कर दिया। दो तीन बार गिरा ना, और देखो गाइस आगे वाले पे थोड़ा आराम से जाएंगे यार, डर लग रहा है थोड़ा। ओके, ये वाला थोड़ा सिंपल ही लग रहा है, इसमें बस गैप है, हम लोग को बस जंप ही करना है क्या? इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग, यू हैव टू जंप एट द खायो मोमेंट। ये लेट्स गो। नो, गिरो नीचे, गिरो। नो मीनो, गिरो मी हीरो। अब ये लास्ट है और सबसे खतरनाक। अच्छा तो हमको बस ये जेट स्की से बच के आगे जाना पड़ेगा। वेरी इजी गाइस, ऐसे टाइम पे आग बंद करके आगे बढ़ते रहो। जीने के है चार दिन, कैश थे पांच दिन। बाल बाल बचा नहीं। ऊपर देखने क्यों है, कुछ गिर थोड़ी रहा है, जेट स्की नाम की तो कोई चीज है ही नहीं।